देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के एक सेकंड हाँ सब कुछ काला पट्टी नहीं जिंदगी भी काली इतना ही है नहीं गलत बात है देश में रहने नहीं रहने के मन में चले जाओ क्या यहाँ गाँव के कहीं और बताओ सालों को कुत्तों को फोटो हो गई पूरी बात मुझे याद हो गई याद रखना जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुँचता हूँ याद रखिएगा आप लोग यह वीडियो मेरठ का है और 20 दिसंबर का है। 20 दिसंबर को लोग यहां पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो में सिटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सिटी एसपी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पाकिस्तान जाने की हिदायत दे रहे हैं। टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के एक सेकंड हाँ सब कुछ काला पट्टी नहीं जिंदगी भी काली इतना ही है नहीं नहीं गलत बात ठीक है देश में नहीं रहने के मन में चले जाओ क्या यहाँ गाँव के कहीं और बताओ सालों को कुत्तों को फोटो हो गई पूरी बात मुझे याद हो गई याद रखना जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुँचता हूँ याद रखिएगा आप लोग। सिटी एसपी वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह पाकिस्तान चले जाएं। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस तरह से सभी आरोपों को गलत बता रही है। पुलिस पर लूट के भी आरोप लग चुके हैं। बाद में सिटी एसपी ने इस वीडियो के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर बात कही जा रही है, क्या उस टाइम कहा था और क्या वाकया क्या था सर? जो लिसाड़ी चोपला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हम रेडियम सिटी थे, कुछ फोर्स हमारे साथ था कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे। उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। तो उसे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको जहाँ ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देख कर और जो माहौल चल रहा था उसमें उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे यही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। मुकदमा उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए सर? बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा हो उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग, अगर देखा जाए क्या मैच्योर थे क्या? अरे होंगे 18 20 22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। सर जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। अच्छा सर, एक ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हिंदी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।